पिछले एपिसोड में डिमन बिस्ट का ग्रुप पांगलिन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसे देखते ही लीगो की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। अब इसके वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि वे शायद इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वे तो इनके सामने बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट करके इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ से एंट्रेंस की ओर भी जाने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो अपने डिमन से कहता है कि तुम जल्दी से उस ओर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर उसका डिमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वे तुरंत यहाँ से एंट्रेंस की ओर जाने लगे थे। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लीगो और भी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वे इनके पार को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो लीगो से कहता है कि तुम इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके तरफ जाने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर वे इस तरह से बहुत ही आसानी से एंट्रेंस के अंदर चले गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ से दूसरे तरफ चला गया होता है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने फॉर्मेशन का यूज करके बहुत सारे डिमन बीस को भी यहाँ पर लेकर आ गया था, ताकि कोई खतरा आने पर वो इनका यूज कर सके और उस तरह से वो इसमें अपने आप को बचा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन डिमन बीस का लीडर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसे देख वांगलिन भी अपने डिमन को इसका सामने कर देता है। और अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लीडर वांगलिन के डिमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और केवल कुछ ही देर में वांगलिन के डिमन ने उसे मार गिराया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी डिमन बीस्ट इससे काफी डर गए होते हैं और इसीलिए वे तुरंत इसका सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी अपने पावर का यूज करके इनको अपने पास रख लिया था, ताकि वो समय आने पर इनका यूज कर सके। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि वांगलिन ने फिर से लीगो को बाहर निकाल लिया था, जिसके वजह से लीगो इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगता है। लेकिन तभी वांगलिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लीगो भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया होता है और फिर वो वांगलिन से कहता है कि मास्टर आप इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी वांगलिन कहने लगता है कि अब तो मिंग तुओजी के बैग के ऊपर कोई भी सील नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि वो अब तक मर चुका होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे चेक करने के लिए ओपन करता है, जहाँ पर कि वो बेस्ट क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसे क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन का मिलना बहुत ही रेयर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नजर टूटे हुए ट्राइपॉड के ऊपर जाती है, जिसके बाद उसने केवल इसे छोड़कर बाकी सभी आइटम को अंदर रख लिया था। फिर हमें पता चलता है कि यह ट्राइपॉड तो असल में लेवल 3 वाले कल्टीवेटर का एक नेशनल ट्रेजर है, जिसे कि मेडिसिन किंग ट्राइपॉड के नाम से जाना जाता है। लेकिन असल में मेंगतुओजी ने इसे पाने के लिए अपने ही मास्टर को मार दिया था और फिर वो इसे अपने डेस्टिनी के मैजिक वेपन के रूप में यूज करने लगा। इसके अलावा हमें पता चलता है कि इसे बॉडी फायर के साथ में कई हजार सालों तक रिफाइन किया गया था, जिसके बाद से वो रिफाइन होकर पॉइजन किंग ट्राइपॉड बन गया और इसीलिए इसका स्पिरिचुअल पावर टॉक्सिन से भरा हुआ है। इसीलिए इसका ग्रीन मिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कॉन्शियसनेस को भी मार सकता है। तब इसके बारे में जानकर वांगलिन कहने लगता है कि भले इस तरह का ट्रेजर खतरनाक है, लेकिन अगर मैंने इसे सही तरीके से यूज किया तो फिर मैं इसका यूज करके बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने इसे अपने लिए यूज करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके तुरंत बाद वो इसके ऊपर अपने कई तरह के पावर का यूज करने लगता है, ताकि इस तरह से वो इसे अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ में कम्बाइन करने के लिए रेडी कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती, इसलिए उसे यहाँ पर अपने बहुत सारे पावर का यूज करना पड़ता है। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और फिर वो इसे ट्राइपॉड वाले पॉइजन के साथ में कंबाइन करने के लिए भी रेडी हो जाता है और फिर आखिरकार इतने देर तक मेहनत करने के बाद वो इसमें कामयाब हो गया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि लीगो भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो कहना लगता है कि यह ट्रेजर तो असल में कल्टीवेटर के नेटल मैजिक वेपन से बना है और फिर वो इसमें कामयाब होने के लिए वांगलिन को कंग्रेचुलेट करने लगता है। फिर वो कहना लगता है कि यह पॉइजन स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि अगर इसका यूज करके नेशन सोल वाले कल्टीवेटर के ऊपर भी अटैक कर दिया गया तो वो भी इसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन ने इस स्वॉर्ड को अंदर रख लिया था और फिर वो अपने डिमन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे वाले बीस्ट उसके सेवा में लगे हुए थे और इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ही आराम से मजे कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीगो को इस बात से जलन होने लगी थी, इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में इतने सबॉर्डिनेट है तो इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे भी फॉलो करने वाले बहुत सारे होंगे। लेकिन वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि वांगलिन इनके ऐसे बातों को पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि अब वो यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गया होता है। इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ चारों तरफ जाकर इस जगह को एक्सप्लोर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी तुरंत इसके लिए चले गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नजर यहाँ के एक मैसेज के ऊपर जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ के ब्रिज से वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांगलिन भी इस बात से हैरान हो गया था, क्योंकि उस मैसेज में साफ लिखा हुआ था कि अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो इसके बारे में सोच लेना। तब इस पर वांगलिन कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा मैसेज क्यों है, और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में
में पता लगाने के लिए उस जगह पर आ गया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इस मैसेज के बारे में सोचकर काफी परेशान होता है। और फिर वो कहना लगता है कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक बार यहाँ पर आगे चला गया तो क्या मैं उसके बाद फिर से वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए लीगू उसे वहाँ पर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लीगू भी इस बात से बहुत खुश हो गया होता है। और फिर वो डिमन से कहना लगता है कि मेरे मास्टर तो अभी भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे इसके लिए चूज क्यों करते। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो ब्रिज के ऊपर आकर खड़ा हो गया था, लेकिन असल में इसके दौरान उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और फिर वो सही सलामत वहाँ से वापस भी आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर इतने आसानी से यहाँ से आगे जाने वाला नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर डिमन को जाने के लिए कहता है। और फिर वो जैसे ही उसे वहाँ से वापस आने के लिए कहता है, तभी अचानक से कोई पार उसे निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वांगलिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो सोचने लगता है कि जब डेविल वहाँ पर गया था तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये लिटिल बिस्ट तो अचानक से उस पावर की वजह से मारा गया। फिर वो कहने लगता है कि डेविल के पास में स्पेशल पावर है, शायद इसी वजह से उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर कोई ब्रिज के ऊपर चला गया तो फिर वहाँ से वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो जैसे ही वहाँ पर अपना पैर रखता है, उसके सामने एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके साथ वाले सभी वहाँ से गायब हो गए थे, जिस बात से वांगलिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गया था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगी थी, जिसे देखते ही वांगलिन समझ जाता है कि यह तो कोई वाइल्ड बीस्ट है, और इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वाइल्ड बीस्ट ने उसे सामने से घेर लिया था, और फिर वो इसके ऊपर अपने जोरदार ब्रेथ का भी यूज करने लगता है। लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो कहने लगता है कि अगर यह सच में एक वाइल्ड बीस्ट होता तो फिर केवल इसकी एक ब्रेथ मुझे यहाँ से बहुत दूर उड़ा कर ले जाती। लेकिन असल में उसके ब्रेथ का तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था, इसलिए वो समझ जाता है कि यह तो असल में केवल इल्यूजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे, और वे पीछे से उसे आवाज भी लगाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वांगलिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वांगलिन के फादर कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए थे। जिसके बाद उसकी मदर कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाई हुई सॉस लेकर आई हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आकर इसे ले जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन अपने जगह से हिलने के लिए रेडी नहीं होता, जिस पर उसका फादर कहने लगता है कि क्या तुम अपने मदर के सॉस को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन वांगलिन को बहुत अच्छे से पता था कि यह सब केवल इल्यूजन है, और इसीलिए वो इनको इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर भी अपने ग्रेट ग्रैंडसन का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गया था, और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वांगलिन के पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से वांगलिन भी काफी उदास हो गया था, जबकि वहीं उधर उसके पेरेंट्स उसे हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन इनके रोने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके हाथों से खून टपक रहा था। तभी उसकी मदर कहने लगती है कि तुमने हमें जो कॉन्शियसनेस पर्ल दिया था, मैंने तो उसे भी क्रश कर दिया है, और इसलिए मैं चाहते हूँ कि तुम हमें जल्दी से बचाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन को अभी भी उस सीन के बारे में बहुत ही अच्छे से याद होता है, इसीलिए वो कहना लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने डिवाइन कॉन्शियसनेस के पर्ल को कभी भी क्रश नहीं किया था, इसीलिए इसके बारे में याद करके वो समझ जाता है कि यह असल में केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए भी खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इसलिए वो खुद से सवाल करने लगता है कि आखिरकार इस बार में मुझे पीछे आने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह सच में इल्यूजन है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका इल्यूजन भी टूट गया था, और फिर लीगू और उसका डिमन भी यहाँ पर आ गए थे। तब इसके बारे में सोचकर वांगलिन कहने लगता है कि यह ब्रिज तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, और इसलिए वो जल्दी से सामने वाले पोर्टल का यूज करके यहाँ से दूसरे ओर चला आता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह फिर से एक दूसरे जगह पर आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करता है, और इसीलिए जब उसे एक जगह पर डाउट होता है तो वो वहाँ पर चेक करने के लिए कुछ डिमन को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डिमन जैसे उस जगह को चेक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसे देख वांगलिन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है। अब इसके वजह से उसे भी समझ में आ जाता है कि यह तो असल में फॉरबिडन है, जिसका मतलब है कि कोई भी यहाँ से जाने के लिए अलाउ नहीं है, और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, और फिर वो यहाँ से दूसरे रास्ते के बारे में चेक करने के लिए फिर से कुछ और डिमन को भेजता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, और इसके वजह से वे सारे डिमन फिर से मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन को भी इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया था, और फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पर तो एक भी कदम बढ़ाना मना है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता।
था और फिर वो कहने लगता है कि अगर मुझे इसके सेकेंड लेवल को पास करना है तब मुझे किसी तरह से इसके मेंशन बैंक को पास करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिगुओ उसे कुछ दिखाने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखते ही वांगलिन समझ जाता है कि यहाँ पर उसके पहले कोई आ चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यार और उसके साथ वाला लड़का यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर यार उस लड़के से कहता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए तुम्हें पूरे रास्ते में प्रोटेक्ट किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे जैसे फिर से अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तभी अचानक से यहाँ पर फिर से कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और यहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे क्रिएचर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यार ने अपने पावर का यूज करके इनके फॉर्मेशन आई को बहुत ही आसानी से सील कर दिया था, जिसके वजह से वे इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वे क्रिएचर फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन तभी फिर से यार अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यार अपने मास्टर के बारे में याद करने लगा था और फिर कहता है कि मास्टर मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर स्टेंट आर्ट का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बारे में उसे उसके मास्टर ने सिखाया था। इसीलिए हम देखते हैं कि उसका मास्टर एक आदमी को जैसे उसके नीचे भेजता है तब उसके पावर उस आदमी को बहुत ही आसानी से केवल एक ही झटके में मार देती है। इसके बाद वो इसके बारे में बताने लगता है कि यह सेकेंड लेवल वाला बैन है और इसीलिए यह पूरा माउंटेन ही फॉरबिडन है। तब इसके बारे में सुनकर यार अपने मास्टर से कहता है कि यह तो बिल्कुल फॉर्मेशन के जैसे दिखाई देता है, जिसके बाद उसका मास्टर उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी एक तरह का फॉर्मेशन ही है, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि यह ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए तुम बहुत ही आसानी से कल्टीवेटर के आइडिया को फॉलो कर सकते हो और उसे तुम अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से चेंज कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि ग्रेट सुपरनेचुरल पावर वाले आदमी के पास में थॉट होती है, इसीलिए तुम बहुत ही आसानी से बैन को सेटअप कर सकते हो, इसीलिए सोल अगर इमोर्टल है तो वह बैन हमेशा के लिए जारी रहेगा। फिर वो आगे कहता है बैन को तोड़ने का सबसे आसान रास्ता है उसे जबरदस्ती तोड़ना, लेकिन असल में ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन होनी चाहिए, क्योंकि कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हाई होगी रिस्ट्रिक्शन भी उतना ज्यादा हाई होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे बैन को तोड़ने के लिए दूसरे तरीके के बारे में भी बताने लगा था, जिसके लिए उसे बैन के प्रोडक्शन प्रिंसिपल और रूल के बारे में समझना होगा और फिर इस तरह से वो इसके बारे में रिसर्च करके इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकता है। अब इसके बारे में याद करके यार कहने लगता है कि मास्टर मैं आपके सपने को पूरा जरूर करूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के फॉर्मेशन के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगा था और उस तरह से उसने यहाँ के बैंड को बहुत ही आसानी से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। फिर वो कहने लगता है कि अब कोई दूसरा इसे पास करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर बताना।